Problem le kya hai? Find the coordinates of intersection point of line x minus 1 upon minus 1, y plus 1 upon minus 2, z minus 1 upon 1 equal to lambda, and plane three x plus y minus 2z minus 1 equal to 0. जल्दी करो, कैसे करेंगे? यहां से वेरिएबल पॉइंट मानो, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो प्लेन में. वेरिएबल पॉइंट क्या मान सकते हैं हम? माइनस लैम्डा एक्स क्या मानेंगे? माइनस लैम्डा प्लस 1. वाई क्या मानेंगे? माइनस 2 लैम्डा माइनस 1. और जेड क्या मानेंगे? लैम्डा प्लस 1. अब ये इस पॉइंट को किस में रख देंगे? प्लेन में. भाई कॉमन पॉइंट निकालना है ना, तो प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दो. फिर वहां से लैम्डा आएगा, उसे दोबारा से इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. जल्दी करो, जल्दी करिए. जल्दी करिए. लैम्डा कितना आ रहा है? क्या लैम्डा कितना आ रहा है? माइनस 1 अपॉन 7. माइनस 1 अपॉन 7. अब पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस लैम्डा को इन तीनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. निकालो जल्दी. पॉइंट कितना आ रहा है? क्या लाल बता दोबारा से? 8 अपॉन 7. अरे 6 अपॉन 7. फैज सही है गलत है? सागरिका कितना? अनुज बताएगा. अरे ढंग से करो, कितना आ रहा है पांडे? माइनस 5 अपॉन 7. पांडे का सही मान लेते हैं. थर्ड सही है. नेक्स्ट लिखो जरा. अच्छा एक स्टेटमेंट लिखो, ऑल कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. स्टेटमेंट लिखो. क्या हुआ? क्या कह रहा है फैज? क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, लिखो. ऑल कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन 2D
lines in 2D are same as concepts of plane in 3D. ऐसे स्टेटमेंट लिख लें आप शॉर्ट में, लाइंस इन 2D इक्विवेलेंट टू प्लेन्स इन 3D. लाइंस इन 2D इज इक्विवेलेंट टू प्लेन्स इन 3D. अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए. जैसे अगर हमारे पास लाइन दी है, ये लाइन है मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, और ये एक पॉइंट दिया है a x1 y1, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना था बताया था ना, d कितना है, मॉड ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बात समझ में आ गई ना, ये तो मालूम ही है. अब इसकी हेल्प से ढंग से समझना, मान लो ये प्लेन है हमारे पास और ये एक पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, और प्लेन की इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो. नोट कर लो इसे, तो जो लेंथ है हमारे पास डी ये कितनी आएगी, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नोट इट, मतलब ये आपको मालूम ही है तो कोई टेंशन नहीं है. ये लाइन की इक्वेशन है, ये पॉइंट मालूम है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास कितना होता है, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. प्लेन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, और पॉइंट क्या मालूम हो, ए एक्स वन वाई वन जेड वन. तो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नोट कर लिया. सेकेंड देखिए, ये अलग अलग ही लिखता हूं. मान लो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. ठीक है ना, ठीक है. तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी आएगी, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी आती है इन दोनों के बीच की, डी इक्वल टू कितना आएगा, डी कितना आएगा, मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये बताया था मैंने, ठीक है ना, नोट करो इसे. कर लिया. अब प्लेन देखिए, अगर हमारे पास दो प्लेन ऐसे हैं
कर लिया। अगर दो प्लेन ऐसे हैं, एक ये और दूसरा ये है, प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा प्लेन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। तो पैरेलल है, ये कोएफिशिएंट सेम है, ध्यान से देखना। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ डी है, ये किसके बराबर आएगी, मॉड डी वन माइनस डी टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोट कर लो, ढंग से नोट कर लो, कर लिया ना, आ गया। थर्ड वन देखना, जैसे अगर ये लाइन है और ये पॉइंट दिया है हमें x1 y1, और लाइन की इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए रिजल्ट क्या था, सिखाया था ये मैंने x0 कॉमा y0, और इमेज के लिए x2 कॉमा y2। तो ये मैंने दोनों ही बताए थे, इसके लिए सबसे पहले क्या बताया था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका माइनस करो। अगर फोटो परपेंडिकुलर चाहिए तो किसके इक्वेट करो, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई नॉट माइनस y1 अपॉन b, और इमेज की अगर बात हो रही है तो डबल हो जाता है, इसका प्रूफ भी बताया था, माइनस टू टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन b या x2 माइनस x1 अपॉन a। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए इसका रिजल्ट क्या यूज करो, और इमेज के लिए इसे यूज करो, लाइन से है तो ढंग से समझिए। कर लिया, आगे क्या, नोट कर लिया। प्लेन में देखना, ढंग से समझना, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है ए वन x1, y1, z1, ये इसका क्या है फोटो परपेंडिकुलर a0, और ये इमेज a2, a0 के कोऑर्डिनेट्स हैं x0, y0, z0, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, ये गिवन है हमें, ये एवेल्युएट करना है, ये भी एवेल्युएट करना है। प्लेन की इक्वेशन मालूम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये मालूम है हमें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में क्या कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो इसका माइनस लो और किसके बराबर करो, एक्स नॉट माइनस एक्स वन अपॉन ए, एक्स नॉट आ जाएगा, वाई नॉट माइनस वाई वन अपॉन बी, यहां से वाई नॉट आ जाएगा, जेड नॉट माइनस जेड वन अपॉन सी, यहां से क्या आएगा, जेड नॉट। समझ गए ना, अगर x1 y1 z1 मालूम होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से x0 भी निकाल सकते हैं, y0 भी निकाल सकते हैं और z0 भी निकाल सकते हैं। समझ गए, नोट कर लिया, ढंग से करना। कर लिया। अगर इमेज की बात हो रही है तो क्या होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, यहां पे तो सेम ही रहेगा, कलर चेंज कर देता हूं ऊपर, x2 टू माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन अपॉन सी, यहां पे कितना आएगा, माइनस टू टाइम्स हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए ना, समझ आ गया, समझ आए ढंग से, सुनिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, या फिर इसके वन ऑफ द डी आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर विच एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन अपॉन प्लेन। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई है वो क्या है, टू डी के जो कंसेप्ट हैं लाइन्स के, वो सभी किसमें वैलिड है, प्लेन में, मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ गिवन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, आसानी से हम निकाल सकते हैं। समझ गए सही तरीके से, एक लिखिए, एंगल बिटवीन टू गिवन प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू गिवन प्लेन्स, मान लो हमारे पास एक प्लेन इस फॉर्म में दिया है, आर डॉट एन वन वैक्टर इक्वल टू डी वन, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा प्लेन क्या है, आर डॉट एन टू वैक्टर इक्वल टू डी टू, ये एस वन इक्वल टू जीरो है और ये क्या है, एस टू इक्वल टू जीरो। हो सकता है ये 3D के फॉर्म में कैसे दिया हो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, या ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, चेतन बताएंगे। इस प्लेन पे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, डी वन नहीं होगा, डी वन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कब होता है, जब यहां पे क्या होता, एन वन कैप होता, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आता, डी वन, लेकिन यहां पे एन वेक्टर है तो मॉड ऑफ एन वन से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो एन वन क्या पाएगा, तो इस वाले प्लेन पे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आएगी, डी वन अपॉन मॉड ऑफ एन वन, समझ गए ना। आर डॉट एन वन कैप इक्वल टू डी होता है, तो डी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन प्लेन, समझ गए, बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन वन, या फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ठीक है ना, समझ गए। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन टू, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। तो अगर दो प्लेन हमें मालूम है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर समय मालूम होंगे, बात समझ में आई ना। ये अगर दो प्लेन हमें मालूम है इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर समय मालूम होंगे, इसमें कोई डाउट, बात समझ में आ गई ना। अगर दो प्लेन मालूम है तो इसका मतलब क्या है, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर भी हमें आसानी से मालूम होंगे। अब ध्यान से देखना, मान लो एक प्लेन हमारे पास ये है और दूसरा प्लेन ऐसा है, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा या अल्फा, इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन क्या है, एन वन, इसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन क्या है, एन टू। तो दो प्लेन के बीच के एंगल कितने पॉसिबल होते हैं, दो प्लेन्स में कितने एंगल पॉसिबल हैं, चार, कैसे यार, दो, एक तो अल्फा और एक ये प्लेन इधर भी तो जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, एक तो अल्फा और दूसरा क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा, ध्यान से देखो यार, ये एक प्लेन, एक प्लेन ना, ये दूसरा प्लेन, इनके बीच का एंगल क्या है, ये अल्फा। अगर इस प्लेन को इधर ले जाएं हम, इधर आगे बढ़ा दें और इधर आगे बढ़ा दें, बात समझ में आई ना, नहीं आई, ऐसे देखिए, एक एंगल हमारे पास कैसा है, ये कम हो रहा है ऐसे, इनको इधर भी हो सकता है ना, इधर ले जाएं और इधर ले जाएं, तो एक एंगल अल्फा है प्लेन के बीच का, तो दूसरा क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा, बात समझ में आई ना। अपनी कॉपी से देखो, कॉपी को खोलो और बंद करो, बस एक अब ऐसे वाली स्टेज में रखो जरा, ये तो एक एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा, तो दूसरा क्या आएगा, इनको नीचे की तरफ ले जाएंगे, वो कितना हो जाएगा, एक काम करो लाल और प्रणीत, अपनी दोनों कॉपियों को ऐसे करो और नीचे से जोड़ दो, हाँ यस, अटैच कर दो नीचे पीछे की तरफ से, अब घुमा दो दोनों को, थोड़ा थोड़ा एंगल में रोटेट करो, अरे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, हाँ ऐसे ही, तो एक एंगल ये आ रहा है अल्फा और दूसरा पाई माइनस अल्फा, बात समझ में आ गई ना, समझ में आई क्या, नहीं समझ आया ये। अब ध्यान से देखो कि एन वन इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना होगा 90 और ये एंगल कितना होगा 90, तो ये कैसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आमने सामने के एंगल का सम कितना हो गया पाई, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, ठीक है ना,
तो क्वाड्रिलेटरल कैसा बन गया ये? साइक्लिक। इसका मतलब ये एंगल अल्फा है तो ये वाला कितना आएगा? पाई माइनस अल्फा, और एन दूसरा क्या आ जाएगा? अल्फा। समझ गए? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स आर सेम एज एंगल बिटवीन एन वन वैक्टर एंड एन टू वैक्टर। लिख लो यार, इफ एन वन वैक्टर इज परपेंडिकुलर वैक्टर टू एस वन इक्वल टू जीरो, इफ एन वन वैक्टर इज परपेंडिकुलर वैक्टर, इफ एन वन वैक्टर इज परपेंडिकुलर वैक्टर टू एस वन इक्वल टू जीरो एंड एन टू वैक्टर इज परपेंडिकुलर वैक्टर टू एस टू इक्वल टू जीरो, देन एंगल बिटवीन एन वन इक्वल टू एस वन इक्वल टू जीरो एंड एस टू इक्वल टू जीरो इज सेम एज एंगल बिटवीन एन वन वैक्टर एंड एन टू वैक्टर। समझ गए? बात समझ में आ गई ना? तो कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? एन वन डॉट एन टू अपॉन मॉड ऑफ एन वन मॉड ऑफ एन टू। साइन थीटा कितना आ जाएगा? मॉड एन वन क्रॉस एन टू अपॉन मॉड ऑफ एन वन मॉड ऑफ एन टू। नोट कर लो जल्दी से। समझ गए ना? नेक्स्ट लिखो, एक और कंसेप्ट लिखो, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कंसेप्ट समझिए पहले। ये प्लेन है, मान लो ये लाइन है, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो लाइन के पैरेलल वेक्टर कोई वेक्टर हो, लाइन और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच एंगल कितना आएगा? पाई बाई टू माइनस अल्फा। ये स्टेटमेंट पहले लिख लो, इफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज अल्फा देन एंगल बिटवीन लाइन एंड अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज पाई बाई टू माइनस अल्फा बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें कोई डाउट? रितेश नंदी समझ आए क्या? ये लाइन है ना, अरे ये लाइन है, ये प्लेन है। ऐसे देखिए, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना आएगा? पाई बाई टू माइनस अल्फा।
अब ध्यान से देखना, मान लो लाइन की इक्वेशन हमें मालूम है किस फॉर्म में हो सकती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन या एक्स माइनस एक्स वन अपॉन बी वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन बी थ्री इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना। और प्लेन की इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, या तो आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। मान लो ये जो प्लेन है ये दोनों प्लेन एस इक्वल टू जीरो है और ये लाइन क्या है एल इक्वल टू जीरो, ये एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वन है कि नहीं, या फिर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है एन वेक्टर, या फिर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बात समझ में आ गई नहीं प्रणीत, समझ आया ये, नोट करो जल्दी से इतना, कर लिया। अनुज समझ आ गया, नोट कर लिया। ढंग से करिए, लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है b1 या फिर b1i वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है n वेक्टर, या फिर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। समेश नोट कर लिया, तो इनके बीच का एंगल अगर अल्फा है तो b1 वेक्टर और n वेक्टर, अगर लाइन l इक्वल टू जीरो और s इक्वल टू जीरो, इनके बीच का एंगल अगर अल्फा है तो इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, पाई बाई टू माइनस अल्फा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा इक्वल टू बी वन डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वन मॉड ऑफ एन। ढंग से नोट कर लो, समझ गए। समझ आ गई, नोट कर लिया। आगे लिखिए एक और कंसेप्ट, जैसे दो लाइन का इंटरसेक्शन क्या आता है, पहला कोप्लेनर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है पॉइंट, और दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है लाइन। बात समझ में आ रही है ना भाई, दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा लाइन, लिखो यार कंसेप्ट है, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स आर गिवेन, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स आर गिवेन
how we get the free vector, how we get the free vector parallel to line of intersection of two planes. Or how we get drs, one of the drs of line, one of the drs of line of intersection of two planes. ठीक है, ध्यान से देखना, लास्ट कंसेप्ट है, ढंग से समझिए. एन वन हमारे पास क्या है, एन वन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू एस वन इक्वल टू जीरो. तो मुझे ये बताइए, अपनी अपनी कॉपी खोलिए, मैं भी देखता हूं. ये ऐसे करिए, ऐसे खोल लीजिए, ठीक है. अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी है, ये. तो फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन वन. मान लो फर्स्ट प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन वन. तो क्या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एन वन के परपेंडिकुलर है या नहीं है, है. दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एन टू. एन टू, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एन टू वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं है, है. ठीक है ना. अब मैं नोट कराऊंगा, पहले इतना नोट कर लो. ये एस वन इक्वल टू जीरो फर्स्ट प्लेन है, और इसकी इक्वेशन क्या है, वेक्टर फॉर्म में ही लिख दी है, आर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी वन. एस टू इक्वल टू जीरो दूसरा प्लेन है, और इसकी इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू डी टू. ठीक है, लिखिए यार, आप ढंग से लिखना. बिको एन वन वैक्टर इज द वैक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एस वन इक्वल टू जीरो. एन वन वैक्टर कैसा है, इट इज द वैक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एस वन इक्वल टू जीरो. ठीक है, एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लिखो यार, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इन एस वन इक्वल टू जीरो, सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एन वन वेक्टर. समझ गए ना. So line of intersection is perpendicular to n1 vector. ठीक है, सेकेंड लिखिए स्टेटमेंट, n2 vector is perpendicular to, n2 vector is perpendicular to plane s2 equal to 0. Plane s2 equal to 0. ठीक है ना. एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो लाइज इन प्लेन
एस टू इक्वल टू जीरो, सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एन टू वेक्टर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एन टू वेक्टर। ढंग से समझना आप, नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, इट मींस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एन वन वैक्टर एंड एन टू वैक्टर बोथ। इसका डायरेक्शन किससे निकाला जाएगा? अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं, और उसके प्लेन में भी नहीं है, एन वन क्रॉस एन टू लिख लो यार, मींस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू एन वन क्रॉस एन टू। ठीक है ना, तो n1 वन क्रॉस एन टू से जो वेक्टर आएगा उसके कॉफिशियंट क्या होंगे, वन ऑफ द डी आर्स ऑफ लाइन। और वेक्टर की बात करें तो n1 वन क्रॉस एन टू क्या है, पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, एक प्रॉब्लम लिखी जा रही, एक आसान सी प्रॉब्लम लिखी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point having position vector r naught vector and line is parallel to passing through the point having position vector r naught vector and line is parallel to line of intersection of two planes r vector dot n1 vector equal to d1 and r vector dot n2 vector equal to d2। मतलब इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके तो पैरेलल है लाइन, और कहां से पास हो रही है, ए नॉट से, एक स्टेप का है, जल्दी से करिए, क्या आएगा आंसर, r वेक्टर इक्वल टू r नॉट प्लस लेमडा टाइम्स n1 वन क्रॉस n2, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा। समझ गए ना?